अज ओ भैण आई है अज भी रुलांदे ने अज वीरां ने गल्लां कीतियां ने पिंड वाले तेरियां खांदे अथरों आ जाणे ने अज वीर ने भैण दे बाजों तों फड़ लिया है आंदा दफायो जा साडे घरों बने ओ जा किहड़े हिस्से दियां गल्लां करनी है किहड़ी जमीना दियां गल्लां करनी है किहड़े मरलियां दियां गल्लां करनी है तैनू कुछ नहीं मिलना ये जमीना साडी ने मरबे साढ़े ने साढ़े बाप की कमाई है ओए पिंड दे ओ चौधरी ओ गल सुन जाया रे हने वीर दे पैर फड़ ले ने हने आखिया वीरा मारी ना मैं तेनों बड़ा योखा जमान कीता हे वीरा तेरे मथे जमदी रही हां हे वीरा तेरे पैर तौंदी रही हां हे वीरा परेशान होई रोण वाले ओ जुमले सुन जाया रे छोटा वीर उठ के गालियां दे लग पे आए ओदे प्यो ने आखिया केड़ियां गल्लां करना है ओए साडे सामने आ के जमीना दियां गल्लां ना करें साडे सामने आ के तेरे परावां दा हिस्सा है हांदी ए कारी सा कदी वड्डा मारदा है कदी छोटा मारदा प्यो सामने लेटिया होया है किसे ने नहीं आखिया ना मारो तुहाडी परदेसण भैणे हे भैणा नु नहीं मारी दो हे भैणा ते जुलम नहीं करी जिदे दिल विच पुत्र दा प्यार होए है जिहड़े ना इंसाफियां करन कदी नहीं रोए जिहड़े पत्थर थल्ले आउण कदी नहीं रोए हां तेरे मजमे दियां अखां नवें हो गईयां जुमले सुन जा हल्ला दी कसम की बीती होनी है उस भैण ते जिदे पराए अज बन्ने बिगड़ दे रे सूफी साहब अल्ला अथरों कबूल कर लिया रे ओए भैण गलियां दे विच रोंदी है हांदी है पिंड वाले अज मेरे वीर मेरे दुश्मन बन गए रे अज मेरा अब्बा मेरा दुश्मन बन गया रे हाय मैं सुखी सही नहीं आई हाय मेरा बंदा मेनू रोजाना मारदा है आंदा जा हिस्सा लै गया जा अपनी जमीन लै गया हाय वडाला विच बहण आ लियो अल्लाह दी कसम जुमले मेनू रुलांदे रे हांदी ए कारी साहब दस दिन गुजरे ने मैं वापस आई मेरा बंदा आंदा किथे जमीन हांदी ए मैं आखिया ओना नहीं दिती मेरे बंदे भी मेनू मारिया है हुने भी मेरे ते जुलम कमाया वे हदी रात नू बह के रोंदी रही हांदी रही बाबला चंगा नहीं कीता वे मेरे आपियो वा चंगा नहीं कीता अज तीनों दुखी छड़ गया है हांदी ए कारी साहब दसा दिनों तो बाद मेनू फोन आया है तेरा आपा मुक गया ई तेरा बाप मर गया तेरा अपू दुरिया दुतर गया है रोण वाले ओ हांदी है उस वेले मैं कपड़े नहीं पाए मैं क्या सिर दे साइया मेरा प्यो मर गया मेरे सिर दा सनी टुर गया अज मेरा अपा ठट गया मेरा बंदा आंदा किस मुंह नाल जाना ई केड़ी शक्ल नाल जाना वी उस घरों तनों बन्ने कड़िया ने है रोण वाले ओ बाबे ओ जुमले सुनिया ने हांदी ए कारी साहब मैं रोंदियां रोंदियां आ गई हजे वेड़े कदम रखिया है मेरिया परजाइया मेनू तके मारने शुरू की देने हने आखिया नी दफा हो जा साडे वेड़ियों बने हो जा की लैणी है रोण वाली ओ जुमले सुन जाया रे हांदी कारी साहब बड़ा रोईया हांदियां मैं कुछ नहीं लैंदी है जांदी वारी अब्बे दा मत्था चुम लैण दियो है जांदी वारी पियो दी ज़ियारत कर लैण दियो हांदी ए रोंदी रहीया गली दियां कखां नाल तड़पदी रहीया हर रो रो के आंदी रहीया बाबला आए हाय बाबला होंदियां ने यादा इत्थे बाबा जी सुनियो बाबला
आंधिया ने यादा मैनू तेरिया वे बाबला। मैं कल मौका लगा जुमले सुन जाया रे नाले रोंदी पई है पियो दे जनाजे ते किसे नहीं जान दिता उन्हें पैरा तू पीछे हटी है रोंदी जा रही है। आंधी है मौलवी जी दुआ करो मैनू मौत आ जाए है मैं जिंदा नहीं रह सकती है मेरे पेके मुक गए जे है मेरा पिछला पिछ मुक गया जे है वीर मैनू बढ़न नहीं देंदे है अज मैनू रिश्तेदार बढ़न नहीं देंदे। अल्लाह की कसम रौन आलियो इथे मियां मुहम्मद बख्श तड़फे ने मियां साहब आंदे ने दुखी है दी गल दुखी आ जाने ते सुखी ये नौकी खबरां है बाप जिना दे है वड़ा लाया लिया बाप जिना दे है मात ने मारे आए हाए बाबा जी जुमले सुन जाया रे है बाप जी नहा दे है मात ने मारे ते रौंदे नी तगे तगे खबरां बाप जी नहा दे। जिहड़ा तियां दा हक है ना तियां दा वह प्यो नूं चाहीदा कि अपनी जिंदगी विच ही तियां दे नां कर जाए। की कर जाए अपनियां तियां दे नां। आ जिहड़े साडे पुराने बंदे ने ना पुराने बाबे गुस्सा ना करियो मैं गल सच्ची करन लगा बड़े बड़े अच्छे भी आए ने ते बड़े बड़े उंजदे भी ने वह आंदे ने धी दा ते हक ही कोई नहीं असां धीआं दी शादी कीती उहने 2 लाख दा 4 लाख दा उहनूं जहेज दा समान दित्ता उहदी बरात ते हरजा कीता वी हुण साडे को की लैणा सी आंदे ने कि नहीं आंदे आंदे ने बाबा जी मैं तुहानूं तुहाडे पिंड बहाना किन्ने हुण साडा की लैणा सू हुण की लैणा सू हुण भरावां दे पिछे क्यों पई ऐ हुण की आ भरावां कोल ओह डरदी पता की आंदी है अब्बू जी मैनूं कुझ ना दिओ पर मेरे वास्ते ना मेरे पेकियां दे दरवाजे बंद ना करिया मेरे वास्ते बूहे बंद ना करिया जे मैनूं कुझ ना दिओ मैनूं नहीं जमीनां दी लोड़। बाबा लोड़ आउंदी उहनूं इह नहीं वी उहनूं लोड़ नहीं तैनू नहीं पता पिछू किन्ना प्रैशर है औलाद ने भी किया होवे उहदे बंदे ने भी किया होवे वी लैके आउणी आ लैके आउणी आ जे ना लैके आई ते इत्थे ना बड़ी। बाबा है साडा सियालकोट किंगरे रोड ते उत्थे मैनूं फोन आया ते मेरी एक भैण मैनूं अपना दर्द सुणांदी पई सी सुणावां तुहानूं गल एक बार उची बोलो हजरा इधर तवज्जो तवज्जो करिया जे ए मैं तीर दी गल सुना लगा जिहड़ी मिंबरां तों बयान नहीं हुंदी लोकां दा ठीक है पैसे लवो घर जावो गल मुक के किसे नूं असर होवे ते भावें ना होवे सानूं की लगे हुण ए गल जे ए किन्नियां महफलां हुंदियां ने साडियां हुंदियां ने कि नहीं हुंदियां ए किन्ने खत्म हुंदे ने असर क्यों नहीं हुंदा सोचो ना कदी एक मिनट वास्ते वी तुसी भी बाबा जी हफ्ते च एक दो खत्म ते जांदे होणे महफलां ते जांदे होणे दरसे कुरान हुंदा दरसे हदीस हुंदा मौलवी गल्लां बयान करदे नाल ही बोलदे असर क्यों नहीं इधर तवज्जो फरमाओ। बाबा जी गल असर उदों करदी जे जदों गल अंदरों निकले जदों गल अंदरों निकले ते दिलों निकले फिर अगले दे दिल ते असर करदी है। ओ मैनूं फोन करके ना किबला पता की आंदी है आंदी कारी साहब मेरे 3 भरा ने किन्ने 3 भरा ते बाप जदों दुनिया तों जाण लगा ना ते मेरे बंदे ने मैनूं कहा भाई भलीए इंज कर अब्बा तेरा तां मर चला दुनिया तों टुट चला जिदा प्यो होवे दुख ते उहनूं हुंदा ना बाबा जी दूसरे नूं की है जिदा गया होवे दुख ते उहनूं है दूसरे नूं मैनूं तुहानूं की है इधर तवज्जो करियो गल करोड़ां दी दे चला जे सारी जिंदगी फायदा ना दवे मैं जुर्मदार हां जे तुसीं ध्यान ना सुणगे गल ते इंशाल्लाह फायदा होवेगा असर होवेगा। अंधिकारी साहब मेरे बंदे ने मैनूं बड़ा जलील कीता जलील किस वजह तों कीता जा हिस्सा लै गया की कर की कर बाबे बोलियो की कर हिस्सा लै गया हालां उहदा हिस्सा बणदा भी सी लेकिन वह डरदी सी कि मैं गई तो कोई लड़ाई झगड़ा ना शुरू हो जाए कोई फसाद ना हो जाए ये हर घर की कहानी जी तुम सुना लगा आंधी मैं मजबूर हो गई
मैं बंदे दे हथों मजबूर हो गए, लड़ाई लैंदा सी रोजाना, मैनू मारदा सी, जा हिस्सा लैके आ, जा हिस्सा लैके आ। ए बाबे वो बाहर आलो अंदर आलो गल दर्द दिल में सुनियो बाबे जी। आंधी मैं ना बड़ी चकती चकती अपने पुत्र मोटरसाइकिल ते लिया ते अपने अब्बे दे घर आ गई। अब्बा बीमार सी, शाम पई ते रात मैं रहना सी। मैं चलो रात में कट्ठे होवांगे ते गलबात करांगे। जदों सारे भरा कट्ठे होंदे ने, जदों सारे कट्ठे होए ना, मेरी बड़ी खिदमत कीती, उहनां नूं ते पता ही नहीं सी हिस्सा लैण आई। जे पता होंदा ते उहनां ते पाणी वी नहीं सी पुछणा बाबा जी। जे पता होंदा ते पाणी पुछणा सी। लोकी आंदे ने साड़ी ते लगदी कुछ नहीं, दो मरले लै गई है, दो कनाला लै गई, साड़ी नहीं कुछ लगदी। ऐ सुन शरीयत की कहंदी आ, अल्लाह दा कुरान की कहंदा है, जेड़ा प्यो अपनी धी दा हक अपने पुत्रां नूं दे के जावे उहदी नमाज भी कबूल नहीं। मैं अलल ऐलान मिंबर ते बैठ के कहना, उहदी इबादत भी कबूल नहीं। क्यों? उहने हक खाधा है। ते नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा किसे दा हक खावे उह साडे विचों, बोलो जी, उह साडे विचों तुर जाना है। बाबे ने कवर च पै जाना, पिछू नहीं पता की बनना ही, अपनी जिंदगी विच कर जाई। गल सुनी अंधकार साहब, बड़ी खिदमत की। जो शाम का वेला होया ना, सारे भरा कट्ठे हो गए, अब्बे दी मंजी दे दुआले कुर्सियां लग गई, ते मैं चकदी चकदी ना गल की। मैं अब्बा जी तुहाडे नाल गल करनी। बाप ने आख्या, पुत्र बोल। आंधी अबू जी, मैनू दो मरले फलानी जगह तो भी आते ने, ते दो मरले फलानी जगह तो भी आते ने, ते चलो घर च भी हिस्सा होंदा, घर च हिस्सा होंदा कि नहीं धीआं दा? हुण तुसीं भावें बोलो ते ना बोलो हुंदा है वे जी। मैं गल जी किबला, भावें तुसीं बोलो ते भावें तुहाडे ना बोलना नहीं मुक जाणा। जिहड़ा शरीयत ने हिस्सा रख्या वह है वे। वह भावें कोई मौलवी भावें बयान करे, भावें अगू को सुनना बर्दाश्त करे ते ना करे। मत कोई आखे भी इहनूं आखे चंगा मौलवी बुलाया सीगा, ते भावें तुसीं मैनूं बुलाओ ते ना बुलाओ, मैं हक पढ़ जाणा, मैं हक बयान कर जाणा। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, बाबा जुमले समाध फरमाए जे। उहने आख्या, पुत्तर बोल। उहने कहा, अब्बा जी घर विचों भी हिस्सा हुंदा है, ते चलो घर विचों मैं नहीं मंगदी, छोटा जिहा घर नहीं मंगदी। ऐ बाहरों जिहड़े मैनूं चार मरले हुंदे ने ना, खुदा दा नां ही मेरे प्यो वा मेरे नां कर छड्ड। तेनू नहीं पता मैं सोखी साई नहीं तेरे वेड़े आई, मैं बड़ी औखी आई हाँ, बड़ी मुश्किल आई हाँ। बाबे गल सुनो, तेरी अखां दे अथरू नाल ते गल करिया जे। इन्नी गल कीती, वड्डा भरा उठिया, उहने उहदे बांह ते फड़िया, उहने कहा, उठ तू साडे घर आ के ते साडे अब्बे दे सामने ते साडी बिस्ती। ऐ सुनियो, भरा की आंदे पे ने, जिस भरा नूं भैण सारा दिन कच्छे लाई रखदी सी ना, ते थले नहीं सी बहण दिंदी। सारा दिन खेडदे रहना ते चुकदे रखना, सहेलियां ने आखना थले रख दे, आंदी नहीं मेरा इको ही मेरा वीर है, मैं नहीं इहनू थले रखना, मैं इहनू रोण नहीं देना। अज ओ भैण आई है, अज भी रुलांदे ने, अज वीरां ने गल्लां कीतियां ने, पिंड वालियो तेरियां अखां दे अथरू आ जाणे ने, अज वीर ने भैण दे बाजों तों फड़ लिया है, आंदा दफा हो जा साडे घरों पन्ने, हो जा किहड़े हिस्से दियां गल्लां करनी है, किहड़ी जमीनां दियां गल्लां करनी है, किहड़ियां मरलियां दियां गल्लां करनी है, तैनूं कुछ नहीं मिलणा। इह जमीनां साडियां ने, मरबे साडे ने, साडे बाप की कमाई है, ओए पिंड दे चौधरी ओ गल सुन जाया रे, हने वीर दे पैर फड़ ले ने, हने आखिया वीरा मारी ना, मैं तेनों बड़ा योखा जमान कीता, हे वीरा तेरे मथे चुमदी रही हां, हे वीरा तेरे पैर धोंदी रही हां, हे वीरा परेशान होई रोण वाले ओ जुमले सुन जाया रे, छोटा वीर के गालियां देन लग पे आए, ओदे प्यो ने आखिया केड़ियां गल्लां करना है, ओए साडे सामने आ के जमीना दियां गल्लां ना करें, साडे सामने आ के तेरे भरावां दा हिस्सा है। हांदी ए कारी सा कदी वड्डा मारदा है, कदी छोटा मारदा, प्यो सामने लेटिया होया है, किसे ने नहीं आखिया ना मारो तुहाडी परदेसण भैणे, हे भैणा नूं नहीं मारी दो, हे भैणा ते जुलम नहीं करी दो, है वटा लाया लियो अल्लाह दी कसम अखां दे अथरू आ जांदे ने। हांदी ए कारी सा मैं प्यो दे पैरी पै गई, इधर मेरे वल वेखो, कारी सा मैं अब्बे दे पैरी पै गई, है रोंदा होवे जिदे दिल विच धी दा प्यार होए, है रोंदा होवे जिदे दिल विच पुत्र दा प्यार होए, है जिहड़े ना इंसाफियां करन कदी नहीं रोए, जिहड़े पत्थर थल्ले आउण कदी नहीं रोए, हां तेरे मजमे दियां अखां नमें हो गईयां, जुमले सुन जाया रे।
हांदी कारी साहब मैनू दंगे मारे ने हांदे ने तेरा साडा मरन जोन मुक गया है। अज तू बाद साडे वेड़े ना आवी, अज तो बाद साडे पिंड ना आवी, अज तो बाद साडी गली च ना आवी। हल्ला दी कसम है की बीती आनी है उस भैन ते जिदे पराए अज बन्ने बिगड़ दे रे। सूफी साहब अल्लाह इथरों कबूल कर लिया रे। ओए भैन गलियां दे विच रोंदी है हांदी है पिंड वालियो अज मेरे वीर मेरे दुश्मन बन गए रे, अज मेरा अब्बा मेरा दुश्मन बन गया रे। ओए मैं सुखी सही नहीं आई, ओए मेरा बंदा मैनू रोजाना मारदा है। हांदा जा हिस्सा लै गया, जा अपनी जमीन लै गया, ओए वडाला विच बहन आलियो। हल्ला दी कसम है जुमले मैनू रुलांदे रे। हांदी है कारी साहब दस दिन गुजरे ने मैं वापस आई, मेरा बंदा आंदा किथे जमीन। हांदी है मैं आखिया ओना नहीं दिती, मेरे बंदे भी मैनू मारिया है, उन्हें भी मेरे ते जुलम कमाया वे। हती रात नू बह के रोंदी रही हो, हांदी रही हां बाबला चंगा नहीं हो कीता वे, मेरे आपियो वा चंगा नहीं हो कीता। अज तीन दुखी छड़ गया है। हांदी है कारी साहब दसा दिनों तो बाद मैनू फोन आया है, तेरा अप्पा मुक गया, तेरा बाप मर गया, तेरा अपू दुरिया दुटर गया है रान वाले। ओ हांदी है उस वेले मैं कपड़े नहीं पाए, मैं क्या सिर दे साइया मेरा प्यो मर गया, मेरे सिर दा साई टुर गया, अज मेरा अप्पा ठट गया। मेरा बंदा आंदा किस मुंह नाल जाना, केड़ी शक्ल नाल जाना, वी उसे घरों तनों बन्ने कड़िया ने। हैरान वाले ओ बाबे ओ जुमले सुनिया ने। हांदी ए कारी साहब मैं रोंदियां रोंदियां आ गई, हजे वेड़े कदम रखिया है, मेरिया परजाइया मैनू तके मारने शुरू कीते ने। हने आखिया नी दफा हो जा, साडे वेड़ियों बन्ने हो जा, की लैणी है रोण वाली ओ जुमले सुन जाया रे। हांदी ए कारी साहब बड़ा रोईया, हांदियां मैं कुछ नहीं लैंदी, है जांदी वारी अप्पे दा मत्था चुम लैण दियो, है जांदी वारी पियो दी ज़ियारत कर लैण दियो। हांदी ए रोंदी रहीया, गली दियां कखां नाल तड़पदी रहीया, रो रो के आंदी रहीया बाबला आए हाए बाबला। होंदिया ने यादा इत्थे बाबा जी सुनियो, बाबला होंदिया ने यादा मैनू तेरिया वे बाबला। मैं कल मौका लगा जुमले सुन जाया रे। नाले रोंदी पई है पियो दे जनाजे ते किसे नहीं जान दिता, हुने पैरां तू पिछे हटी है रोंदी जा रही है। हांदी है मौलवी जी दुआ करो मैनू मौत आ जाए, है मैं जिंदा नहीं रह सकती, है मेरे पेके मुक गए जे, है मेरा पिछला पिछ मुक गया जे, है वीर मैनू बढ़न नहीं देंदे, है अज मैनू रिश्तेदार बढ़न नहीं देंदे। अल्लाह दी कसम रौण आलियो, इत्थे मियाँ मुहम्मद बख्श तड़फे ने, मियाँ साहब आंदे ने दुखी है दी कल दुखी आ जाने ते सुखी ये नौ की खबरां है। बाप जी नहा दे है वड़ा लाया लिया, बाप जी नहा दे है मात ने मारे आए हाए। बाबा जी जुमले सुन जाया रे, है बाप जी नहा दे है मात ने मारे, थे रोंद नी तके तके खबरां बाप जी ना। नारायण तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारायण सलाम।
खैनात आ लिया अपना बाप जिहड़ा ना बाप उहदे ते बड़ी बार हुंदी आ प्यो मर जाए ना तो बाबा जी किताबां छुट जांदियां जे बड़ा भी पुत्र लायक होवे ना लामा साहब बड़ा भी लायक होवे ते मोटरसाइकल की दुकान ते काम करदा मैं वेख्या जिहड़ा पहली पोजिशन ते आउंदा सी ना दुनिया ने नहीं वेख्या बड़ा लायक असीं पैसे ला देने प्यो तों इलावा कोई नहीं जे लांदा पालीए प्यो दी कदर कर यार जिन्ने वडेरे बाबे बैठे ने ना इधर वेख तेरे बाप की चिट्टी दाड़ी हो गई अपने अबे की दाड़ी चुमिया कर की करिया कर अबे दी अबे दी मैं बाबा जी ऐसे बंदे वेखे जे प्यो घर आंदा हुंदा ते पीरां दे पैर दबांदे हुंदे ने जाके पीर साहब दुआ करो काम कोई नहीं पीर साहब आंदे 5000 इधर कर हां तेरा होवे ना होवे साडा ते होवे ना यार वेखो ना ऐ सारा मजमा बैठा है तुहाडे परिया पंचायत दी गल है परिया बैठी है ना अल्लाह दे वेड़े चलो तुहाडे ते गल मुका देना तुसीं मैनूं इंसाफ करके दसो ओ पीर अगे हुंदा या प्यो अगे हुंदा उची बोलो मैं पीरां दे खिलाफ नहीं जिहड़े अच्छे ने असीं उहनां दे ताबेदार हां लेकिन उस पीर नूं वी चाहीदा वी पहलां अबे दी खिदमत कर जाके पहलां बाप नूं ते दबा जाके ऐसे ऐसे पुत्तर ने जिन्हां सारी जिंदगी प्यो दीआं लत्तां नहीं कुटियां इत्थे वी बैठे होणे ने बाबा जी जिन्हां सारी जिंदगी बुढ़ी बीमार हो जाए तो सारी रात नींदर नहीं पैंदी इहनां शहज़ादिआं नूं इधर तवज्जो करो बाबा मेरे को करोड़ां दीआं गल्लां च फायदा देणगे एक बारी बीवी आखे ना एक बारी दवाई लैके आउणी आ ते मैं बड़े बड़े शाह जवान वेखे ने बाबा जी दवाई तो बगैर घर नहीं वड़दे मैं एक नूं आख्या मैं क्या तू बड़ा जदों आंदा कारी साहब एवं लड़ाई लगनी है ना लैके गया तो लड़ाई तो बचण वास्ते ते मैं क्या तेरा अब्बा भी बीमार है अब्बे ने रोजाना आखना पुत्र चलिए नारोवाल दवाई लियानी है आंदा अब्बा इतवार नूं चलांगे छुट्टी वाले दिन किस दिन रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम बाबा जी जुमले समाध फरमाया जे जो इन्नी गल की ना जो बीवियां आ जाए ना फिर प्यार घट जाता माँ प्यो ना गल मेरे को सची है भावे तुसी मनो ना मनो घटदा कि नहीं घटदा बाबा जी इधर तवज्जो करो जेड़ा पुत्र प्यो दे कोल बहिंदा सी ना रोजाना डेरे ते दो महीने होए ने अब्बा ने वेखे ही नहीं पुत्र अब्बे ने आख्या पुत्र खैर आउंदा क्यों नहीं अब्बा टाइम ही नहीं मिलदा टाइम ही नहीं लभदा ते फरूट लैके आना ते काले शैपर च लैके आना वे घर अम्मा भी होनी अब्बा भी होना कितने पता ना लग जाए जुत्ती लैके आनी है ते कपड़े छपा के लैके आनी है बीवी वास्ते मैं नहीं कहता बुढ़िया का ना करो करो माँ प्यो का किने करना बोलो तो सही बाबिओ इस प्यो का किने करना जिहड़ा वडेरा हो गया इहनू डेरे तो सुट छड़िया जाए नूहां नूं रोटी देण दी तमीज नहीं अपने सहुरे नूं इधर मेरे वल तवज्जो करो अल्लाह की कसम है बाबा मैं गल सची पे करदा जे जिंदगी दा कोई पता नहीं मेल होवे कि ना होवे दो दिन दा मेला टुर जाना मत किसे दे दिल च असर कर जा अपनी बुड्ढी नूं जाके आखे वी अज मौलवी आया सी गल्लां चंगीआं कर गए जो साडे कोल पिछे होया आपे कोल माफी मंग लईए माफी मंगनी चाहीदी कि नहीं माफी लै लईए माफी मंग लईए बाबा जी रब्बे काबा दी कसम जुमले सुणिआ जे जिहड़ी नूह हुंदी है ना नूह चंगी मां दी धी वो कदी नहीं आंदी भी मेरे को तेरे अम्मा ते अब्बे दे कपड़े नहीं धोचदे के आंदी है वो अपना मां प्यो समझदी है सहुरे नूं प्यो समझदी सस नूं मां समझदी है ते जिन्ना सहुरे सस दी खिदमत कीती जिन्ना अल्लाह उहनां नूं रंग लाए जे अल्लाह उहनां नूं की कीता बोलो की कीता रंग लाए ने इत्थे भी रंग लाए ने उत्थे भी रंग लाए ने चल नाह पका के दे मर ते जाणा इक दिन बाबे ने नाह धो के दे सस ने एक दिन मुक ते जाना है फिर मैं तेनू वेखांगा तेरी औलाद किवें तेनू फुल भरौंदी अल्लाह की कसम उठा के आंदा जे मिंबर ते मस्जिद बैठा जिन्हें सस सहुरे की खिदमत जिस कुड़ी ने नहीं ना की जिस नूह ने ओदी औलाद नू जलील कर दी रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है जी जिहड़ियां चंगीआं ने चंगीआं ने ते जिहड़ी वाह फिर गई है ना हुण बाबा जी तुहानू नहीं पता की हो रिहा बड़ा बड़ा जुल्म ते ज़्यादती प्यो इत्थे मसीते आके मेरा घर आउंदे ने कारी साहब जिन्हां वास्ते सारा कुछ कीता है अज दो रोटियां भी गवारा नहीं अज कपड़े इस्तरी करके देने भी गवारा नहीं आंदी आपां नहा के इंजी पाला इस्तरी होए ने इंजी पाला है ने नहीं बाबा हक बणदा उन्हां दी खिदमत करनी दो रोटियां दे के पका के कोई एहसान नहीं करेंगी तेरी औलाद तेरी खिदमत करेगी तेरी औलाद तेरी ताबेदारी करेगी ए मुंडियो सुनो यार मेरी गल जदों काम ते जावो अपने अब्बे दा मत्था चुम के जाना
जाओगे कि नहीं? बोलो ना इंशाअल्लाह, तो बोलो बोलो ना। अल्लाह के घर बैठे मत अल्लाह मत पा छे, जदू काम से जावे अब्बा हवेली होवे डेरे तो होवे घर होवे अब्बे मिल के जाना है, उथे मथा चुम के जाए फिर जो वापस आवे फिर अब्बे का मथा चुमी। इन्हें हाथ चौके ना पूरा दिन तेरे वास्ते दुआवां करते रहना, या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर, या अल्लाह मेरा पुत्र नारो वाल गया शकरगढ़ गया मजदूरी, या अल्लाह दी खैर करी। मैं आखिरी गल सुना लगा बाबा, उस तो बाद इजाजत जड़ी है की ना है तुहाडा भाई शफाकत साहब ने जरा हुक्म फरमाया वही गल करनी है ते अपने टाइम दे विच रह के करनी इंशाल्लाह। ते मैं 8-10 मिनट दे अंदर अपनी तकरीर नूं वाइंड अप कर लेना, उस तो बाद दुआ करने हैं जुमले समाप्त फरमाई दी गल हो रही सी ना, ते वह भी जमाना सी जदों धीआं नूं दफन किया जाता सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउण तो पहला मदीने दा शहर हजरत दाहिया कलबी गल सुनियो, आखिरी गल कर लगा उस तो बाद इजाजत। बाबा जी रोंदे रोंदे नबी दी कचहरी विच आए, मेरे नबी ने दाहिया कलबी नूं फरमाया दाहिया खैर है क्यों रोना है? हजूर मैनूं गल जदों याद आउंदी है ना पुरानी आका ते मैनूं बड़ा दुख हुंदा है, मैनूं रात नींदर नहीं पैंदी। मेरे नबी ने फरमाया किहड़ी गल? आंदा हजूर जदों तुसीं नहीं सुनाए ते असीं धीआं नूं जिंदा दफन करदे रहे, असी अपने हाथों नाल टोया कढ़दे रहे हैं, अपने हाथों नाल धीआं नूं दफन करते रहे हैं। कोई धी नाल प्यार नहीं सी करता, कोई धी नाल मुहब्बत नहीं सी करता। बाबा जी जुमले सुनिया जे इसे वास्ते आला ले लाना जी पिंड विच आके सुल्तानी कह रहे हैं अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, जिदे वेड़े धीओ मेरे नसल हाथ चौके बोलेगा अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, तियां ते परानियां होंदियां जी बाबा, तियां ते परानियां होंदियां ने, माना ले वफावां कर दियां ने, बाबुल दुआवां कर दियां ने, वेड़े दी रौनक होंदियां ने, तियां ते परानियां होंदियां। आओ बाबा मैं गल मुकान लगा, महफल मुकान लगी, मेरे नबी ने फरमाया दाया जी आका, फरमाया क्यों रोना है? हना कमली वालिया अपने हाथों नाल धीआं दबण करदे रहे हो, अपने हाथों नाल दबदे रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया दाया मैनू गल तो सुना दे, मुसलमान भाईओ दाइया दिया अखां विच अथरू आ गए ने, मुसलमान भाईओ नले रोंदा है हना कमली वालिया लजी पाला मेरी औलाद नहीं सी, मैं तजारत दे सिलसिले नाल जा रहे हो, जांदियां बीवी नूं कह गया जे पुत्तर होया खिदमत करनी आनी, जे बेटी होई मेरे आउण तों पहलां गला दबा दई, मेरे आउण तों पहलां मौत दे दई। हना कमली वालिया चंद सालां तों बाद जदों वापस आया, कमली वाले दरवाजा खड़काया है, वेखिया मेरे सामने नन्नी जी बची भी दौड़दी, भाइया कलबियां दे रे कमली वाले आ, मैं उस बची दे बाजों तो फड़ लिया, मैं खिया नी तो कौन है मेरे वेड़े की भी करनी है? भाइया कलबियां दे रे कमली वाले आ, उस बची ने मुड़ के मेरे वल वेख्या, उन्हें आखिया तुसी मेरा बाबा लगदे, उन्हें आखिया मैं नहीं जानता तू कौन है? हाँ कमली वाले आ, मैं अपनी बीवी नू जाके धक्का मारिया है, मैं आखिया नीनी कमीए ए कौन है जड़ी मैनू बाबा बाबा पिया दी है? हजरा जुमले समाद कर जाया रे, हजरत दाया कलबी रोई जा रे, हनरे कमली वाले आ, मेरी बीवी ने आके मेरे पैरों नू जप्पे मार ले, हंदी ए दाया मारी ना दाया मारी ना, ए तेरी दी है तेरा खान है। हंदा कमली वालिया मैनू गुस्सा आया है, अपनी बीवी दे गबेड़ मार कढ़ी, आखिया नी निकमी
तेनों आखिया सी मैनू बेटी नहीं चाहिए सानू धी नहीं चाहिए रब्बे काबा दी कसम उठा के आदारे बाबा जी जदों इनी गल कीती उस मां ने धी नू जब्बे मार ले हांदी ए दाइया मारी ना हे मेरी धी हे मैं बड़िया औखिया इनी कीती हे मैं बड़िया मुश्किलां नाल एडी वड्डी कीती हांदा कमली वाले मैं अपनी बीवी नाल गुस्से होया मैं ख्या नहीं जल्दी कर मैं इनू वेड़े नहीं रखना आओ पिंड दे लोग रौण वाले जमने सुने रे है तिया लई पर दे समे बाबर थे पुत्रा लई बाबा जी पुत्रा लई जगीरा चुप रहना है महा गुजे ना कहना खेतियां दिया तक धीरा न कमली वालिया इतने रखिया जे कमली वालिया मैं अपनी बेटी नो लै के दौड़ी जा रहा मेरी नन्नी जी बेटी है मेरे पैरां नल चिमट दी है हांदी है बाबा जानी किथे लै चले ओ हांदा कमली वाले मैं अपनी बीवी दी गल नहीं सुने मैं अपनी बच्ची दी गल नहीं सुने सोने उन्हूं छावे बठा के कमली वाले मैं टोया कड़दा जा रहा शफा कसा बल्ला दी कसमे जुमले रुला देने है तियां नूं पियो नाल बड़ा प्यार आंदा है भावे छोटियां आण ते भावे वड्डियां आण अपने अपू दियां जुत्तियां साफ करदियां ने अपने पियो दे कपड़े धोंदियां ने आंदियां ने मेरे बाबल दे कपड़े ने हे मेरे अपू दियां जुत्तियां ने हे मेरे बाबल दे सिरे अल्लाह दी कसम रौण वालियो आंदा सोने मैं टोया कड़दा जा रहा कमली वाले मेरे चेहरे ते पसीना आ गया है शफा कसा जुमले रोला देने आंदा सोने मेरी बची उठी हने अपना दुपट्टा लिया जे मैनू आंदी है अपू जी थले बह जाया रे बाबा जी थोड़ा पसीना पूंज लैने मेरे नबी ने फरमाया दाया तेनू फिर भी तरस नहीं आया हांदा कमली वाले असी जानवरां तो अगे निकल गए सोने सानू नहीं सी पता ती रहमत बन के आंदी है ती वेड़े दी रौनक बन के आंदी हांदा कमली वाले मेरी ती मेरे चेहरे साफ कर दे जदों टोया कड़िया ते तीन बिच रख छड़िया हांदा सोने जदों मिट्टी पांदा जाना वा मैनू बाबा बाबा आखी जांदी है आंदी है बाबला इन्नियां नफरत कर गया है ती तू एडा दिल चढ़ गया ई हे बाबला जे मेरे सीने मेरे चेहरे तो नफरत करना है मैं तेरे नाल वादा करनी हाँ सारी जिंदगी तेरे सामने नहीं आवांगी सारी जिंदगी तेरे कोलों कोई चीज का सवाल नहीं करांगी हे बाबा मेरी मां ने मुक जाना ई मेरी मां रोंदी रवेगी मेरे चेहरे तू वेख वेख रोवेगी जदों उन्हों मेरी याद आवेगी उदों रोवेगी भाया आंदे ने कमली वाले मैं अपनी बेटी दी एक नहीं सुने हजूर मिट्टी पाई जाना वा ओ बाबा बाबा कही जांदी है हजूर जदों चेहरे ते मिट्टी पाई है जांदी वारी चीख मारी है अने आखिया बाबला कियामत वाले दिन तेनों पुछ लवांगी केड़े जुर्म दियां सजावां दित्तियां नी अल्लाह दा कुरान कह रिहा कियामत वाले दिन उन्हां धीआं दा हथ आउणा है उन्हां पियावां दा गिरेबान होना है जिन्हां धीआं ते ज़ियादती कीती है जिन्हां धीआं नूं जिंदा दफन कीता जे हाय लोको धीआं नूं दाबा ना मारिया रे मेरे नबी दियां अखां विचों छम छम अथरों जारी हो गए जनाबे बिलाल आए ने फरमाया ताया चुप कर जा
क्यों नबी नु रुलाना है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल पीछे आ जा, दाया मैनू जरा गल सुना दे, है किवें तियां रोंदियां मोहम्मदियां उडीकां करदियां टुर गईयां। मेरे नबी ने आके दसिया बाबा ती रहमत आंदी है, की आंदी है उची बोलो बेटी, जिदे घर धी होवे ना ती, अल्लाह फरिश्ते नूं तोड़दा, फरिश्ता उहदे मुंडे ते जा के हथ रखदा, इहदे तवज्जो करियो, हथ रखियां ना घबराई ना, उची बोलो यार, मैं हदीस पे पढ़दा जे फरिश्ता हथ रखदा है मुंडे दे आउण ते नहीं कुड़ी दे आउण ते, ती दे आउण ते, इंज हथ रख के ना आंदा प्यो वा घबराई ना, जे अल्लाह ती दित्ती है ना अल्लाह तेनों रिजक भी देगा। बाबा जी कोई पता नहीं होंदा किस धी का मुकद्दर की वजह तो बंदा खांदा होंदा जी। कई मैं ऐसे प्यो वेखे ने जिहड़े आंदे ने कारी साहब मेरी आ धी बड़ी करमाली, धीआं तो सारियां करमाली होंदियां ने ना, आउंदियां ने कि नहीं आउंदियां ने, पर इत्थे पता की होंदा जिहदियां तीन चार धीआं हो जाण उहनूं तलाक भी हो जांदी जी। बाबा जी सस आंदी मैं नहीं रखना, सौरा आंदा असीं नहीं रखना इहनूं, इहदा ते पुत्तर ही कोई नहीं, तुसी पूरा पिंड बैठे हो चलो फैसला तुहाडे को करवा लैने, धीआं पुत्तर देण वाला कौन है, उची बोलो ओए अल्लाह दा नाम लैण लग्गिया ते ना ना डरो, धीआं पुत्तर देण वाला कौन है, अल्लाह कुरान च फरमांदा मैं जिहनूं चाहवां धी देवां, जिहनूं चाहवां पुत्तर देवां, जिहनूं चाहवां कुछ भी ना देवां। कुछ कुछ कर सकदा, ऐसे भी है ने जिन्हां नूं वीहां वीहां सालां तों बाद अल्लाह ने पुत्तर दित्ते ने, दित्ते ने कि नहीं, मैं तुहानूं सियालपुर विखाना, पंद्रह पंद्रह साल तों बाद औलाद होई है। बाबा वो कादर है, वो कादर है मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है, पर किसी की धी ना ज्यादती नहीं करी, किसी की धी ना जुलम नहीं करी, तेरिया धीं भी किसी के वेड़े जानिया ने, अगर किसी की धी खुश रखेगा तेरी धी भी अगला खुश रखेगा। किबला अल्लाह की कसम है, ऐ तो लैन का देन है ना, आंदे ने ना न्योंदरा किन्ना दिता सी हजार, हूँ पंद्रह सौ देना, वादा करना है, जे उथे वादा हो सकता है तो नेकी दे काम विच भी वादा हो सकता है, और इत्थे जरूरी है। इस वास्ते बाबा जी अल्लाह पाक दी अदालत अगे दुआ करना, जो मैं पढ़िया जो तुसा सुनिया, माँ प्यो की कदर करो, कदी माँ प्यो दे सामने उची ना बोली, तेनों झिड़का भी मारन तेनों जुतियां भी मारन ना खा ले, तू खुश किस्मत जिन्हों कोई जुतियां मारन ना, नहीं तो कोई नहीं समझाता, तो कोई नहीं कहता। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह भाई शफाकत साहब ने जिन्हें दूसरे पाई ने, अल्लाह इन्होंने वालिद की बख्शिश फरमाए। मियाँ साहब ने कलम उठाई तो मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, जिंदगी रही तो मौके मिले फिर बाबा जी गल्लां करांगे। ते रोमिए कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है, ते मियाँ साहब फरमाते ने लायो यार हवाले रब दे थे मेले निचारे थिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी थे जिस दिन फेरे मिलांगे। अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।